देख सकते यार लड़कियां अभी पूरियां बना रही हैं इधर, जो दशहरे के लिए जो हलवा पूरी भर रही है एकदम बिल्कुल कुछ नहीं आता बिल्कुल। ये देख तो आजकल की लड़कियां ही हैं। तो यहाँ पे अभी झांकी निकल चुकी है आप देख सकते हो जी। आप कौन बने हो? ये ताज के कहाँ जा रहा है, इसको सीधा करो। क्या बने हो आप? हनुमान के साथ कौन? तो हेलो गाइज, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ मज़े से जी रहे होंगे। तो पहले तो मैं सबको बता दूं कि आज है दशहरा, तो दशहरे की सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपको पता है यहाँ पे रामलीला लगती है हर साल, तो जब दशहरा होता है दशहरा यहाँ पे जोरों और शोरों से मनाया जाता है हमारे गांव में, सिंदरा गांव में, जो कि प्राणों से थोड़ा ऊपर है और तहसील भाला में आता है। तो अभी यहाँ पे दशहरा आज मनाया जा रहा है, फर्स्ट क्लास मनाया जा रहा है। अभी यहाँ पे लड़के तैयार हो रहे हैं, एक झांकी जाएगी इधर से, क्योंकि यहाँ से एक झांकी लेके जाते हैं पूरे गांव में, जितने भी इलाके आते हैं हमारे गांव के, जितने भी आते हैं, तो हम हर एक के गांव में जाते हैं झांकी लेके, मतलब उसमें राम लक्ष्मण और हनुमान, बाकी जो सेना है तो सबको बना के, लड़कों जितने भी छोटे लड़के होते हैं सबको बना के लेते हैं सभी। तो बस अभी मैं उधर जाता हूँ, थोड़ा सा उनका तैयार शेयर करके उनको भेजते आगे, क्योंकि टाइम अभी 11 हो गया, तो उनको भेजते। तो उसके बाद हम जाएंगे, इधर ग्राउंड है आगे, मैं ग्राउंड बोल सकते हैं, वहाँ पे हमने पुतले बनाने हैं। तो बाकी लड़के जा चुके हैं, मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि आ जाए भाई, क्योंकि उसको टाइम लगेगा बनाने में, रावण बनाना, बाकी कुंभकर्ण, मेघनाथ, तो ये तीन पुतले हमने बनाने हैं अभी। तो मैं जाता हूँ उधर, वो पुतले बनाने हैं, तो चलो मैं भी जाता हूँ और वो पुतले जो हैं तो उनको बनाते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सामान भी नहीं है, तो हम ऐसे ही कुछ करेंगे, आगे पीछे करके बना देंगे। तो चलिए, बजे 4 बजे हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रावण को जलाने वाला वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं और तब तक झांकी भी आ जाएगी, जो लड़के भेजे वो भी आ जाएगी। तो चलिए अभी निकलते हैं इधर से और वो फटाफट तैयार करते हैं। तो बाकी यार, आज प्लीज़ नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को, आज तो यार राम जी का नाम लेकर कर दो यार, आज तो कर दो सब्सक्राइब चैनल। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और निकलते हैं अभी इधर से लेगा। तो चलिए मैं फिर निकलता हूँ, क्योंकि मुझे लेट हो रही बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हो गाइस यार, अभी सारे बच्चों को मतलब जितने छोटे जितने होते हैं इनको तैयार कर रहे हैं अभी, क्योंकि एक झांकी निकलेगी अब दशहरा जो होगा, तो आज बनाएंगे दशहरा। और ये जितने भी लड़के हैं सबको मतलब पूरे गांव में, जितने भी इलाके में, जितने भी गांव आते हैं, एक झांकी भेजेंगे और जो दान पत्र लोग देंगे तो वो भी मतलब होगा, ताकि ये पूरा दशहरा दिन भर पूरा बनाया जाएगा। फिर लास्ट में जो उधर जाएंगे, उधर रावण जो उसका पुतला बनाएंगे। तो मतलब आप देख सकते हो आज दशहरे का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर बनाया जा रहा है सिंदरा गाँव में। तो ये देख सकते हो अभी झांकी अभी जा रही है, अभी सबको तैयार कर दिया आपने, देख सकते हो राम लक्ष्मण। तो चलो आगे आ जाओ और सारे अपने अपने नाम बताओ। कि मैं राम बना हूँ, ये मेरे साथ लक्ष्मण। अच्छा राम बने हो आप? Yes. आप कौन बने हो? लक्ष्मण। जोर से बोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण और राम। चलिए चलिए आगे आगे बढ़िए। अच्छा जी, आप कौन बने हो? जय श्री राम, मैं हनुमान बना। यहाँ हनुमान जी बने हो जी? Yes. चलिए 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 जी, आप कौन बने हो? ये ताज के कहाँ जा रहा है, इसको सीधा करो। चलो बोलो कहाँ के, क्या बने हो आप? हनुमान के साथ कौन जी, क्या बने हो आप? विभीषण। विभीषण, दोबारा बोलो जोर से। विभीषण। जोर से विभीषण। चलो बढ़ो बढ़ो आगे जी, आप बोलो। सेना। सेना, सेना आप सारे। चलो जयकार लगाओ, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो चलो आगे, चलो। चलिए यहाँ पे झांकी जा चुकी, तो इनके साथ कौन जा रहा है? झांकी के साथ कौन जा रहा है? अक्षय जी आप जा रहे हो? अक्षय जी जा रहे हो। थोड़ा सा आप पिछली बार भी गए थे, पिछली बार तो कैसा मतलब आपका एक्सपीरियंस है ये झांकी का? पैसे हम ठीक ठाक लाते हैं नहीं पैसे की बात नहीं, मैं भक्ति की बात कर रहा हूँ, मतलब आपको कैसे लगता है, दिल से कैसे लगता है ये झांकी के साथ पूरे दिन भर आप जाते हो? पैसा जब मिलता है तो अच्छा लगता है यार। ये बंदा
बकवास से बात कर रहा है क्या बोले। तो चलिए फिर हम भी जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके आते हैं, तब तक हम भी थोड़ा सा जाते हैं और जो रावण का पुतला है उसको भी तैयार करते हैं, बाकी पहले कुछ खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। तो बाकी देख सकते हो गाइस यार, अभी यहाँ पे जो रावण का पुतला है उसके लिए खोदा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो स्टैंड होगा वो इस पे लगाना है ना जी। तो इसके लिए अब देख सकते हो वो वाली लकड़ी लाई है, तो यहाँ पे इसके लिए नीचे के लिए थोड़ा सा खोद रहे हैं कि तो उसको थोड़ी सपोर्ट के लिए। तो ये हमारे विशाल भाई हैं यहाँ पे, ये भी सुबह से काम लग रहे हैं। विशाल भाई कैसा चल रहा है अभी काम? अभी तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अभी हमारा जो रावण का पुतला बनाने जा रहे हैं सोनू जी और अंकित जी, इनको बना रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं, अभी लकड़ी भी ला के रखी है और पूरे गांव में झांकी जो है वो पूरे गांव में चली गई है। झांकी के बाद हमारा जो प्रसाद होगा हलवा पूरी जो चढ़ाना है हमने, वो सारी तैयारी हो रही है। इसके बाद 3 बजे के बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा रावण जलाने का प्रोग्राम है, वो 3 बजे के बाद हम करने जा रहे हैं। जय राम जी की। तो ये देख सकते यार लोगों का इधर जो सहयोग होता है दशहरे के दिन बहुत अच्छा होता है, और लोग जो श्री राम के मतलब अपना अपन दिखाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। तो यही होता है अपना सनातन धर्म जो लोग बहुत दिल से मनाते हैं, और जय श्री राम जय श्री राम। तो चलिए गाइस अभी देख सकते हो अभी फिर अभी तो काम चलो हो रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है। अभी देखो कितना इन्होंने नीचे कर लिया इसको, तो बाकी चलो अभी देखते हैं कब तक ये तैयार करते हैं। और अभी तो टाइम शायद 12 बज रहे हैं, अभी 12:30 हुए हैं, तो ये कोई 4 बजे तक हो जाएगा सारा कंप्लीट। तो तब तक चलो ये जो लड़के इधर बैठे हैं इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या सुबह से इधर आए, क्या कर के आ रहे हैं ये, मतलब इनको हमने काम पे बुलाया कि काम करो इधर आके, लेकिन ये देखो इधर खड्डा अपना अपनी मौत इधर खोद रहा है। इधर क्या भाई उधर खोद रहा है, इधर क्यों खोद रहा है तू, ये चक्कर क्या है तुम्हारा, क्या है ये भाई? भाई तू बात ही नहीं करता भाई इधर देख, लेकिन इन बंदों से हम पूछ नहीं सकते क्योंकि ये बड़े बदतमीज लड़के, इनसे मतलब आप कुछ पूछोगे तो उल्टा ही आगे से निकालते हैं। मेरी गलत बात है यार, आज दशहरा है, दशहरे की बोलो कैसे खुशी हो रही है अभी? खुशी दे इधर देख, पहले खुशी देख, इसको भी दिखाओ। नहीं ये तो चलो उधर खोदना है, लेकिन ऐसे बताओ यार थोड़ा सीरियस होके, कौन होगा खुश दशहरे पे? क्यों रावण मर गया है बेचारा? नहीं रावण तो चलो किसी की मौत किसी की मौत की खुशी मनाना अच्छी बात है, नहीं है हम जो श्री राम के उसके मतलब पे बना रहे हैं, ठीक है? हाँ ये कोई खुशी नहीं है, ये मुझे दुख हुआ है। क्यों मतलब क्यों दुख हुआ? क्योंकि रावण मर गया था उस दिन, 3 बंदे मर गए थे रावण, पूरी सेना मर गई थी उस दिन। अच्छा आप दुख मतलब नरसिंहार हुआ था। अच्छा ये दुख मना रहे हैं आप, क्या बना रहे हो? चाय? मुझे पता नहीं अब बोलूं क्या क्या मतलब क्या हो रहा है। रावण ने अब मेरे दिल में इतना घर बना दिया है ना, मतलब डिसरेस्पेक्ट करते हैं लोग रावण की, बट में बहुत नहीं, कोई नहीं करता सर, आप करते होंगे, हम तो नहीं करते। मैं रेस्पेक्ट बहुत करता हूं करते रावण जी की डायलॉग सुन के, हम जब सुनते हैं ना बड़ा मजा आता है। वो तो हम बेचारे हर साल जलाया जाता है बेचारे का, अब क्या जलाया एक बार बेचारे का, क्यों जला रहे हो, क्यों जला रहे हो? रीति रिवाज है ना दशहरे के दिन होता है, और रावण जी ऊपर बैठे वो भी खुश होते हैं कि उनका नाम अभी भी अमर है, अमर है रावण जी, अमर अमर अमर। तो चलिए गाइस लड़कों को थोड़ा सा भी नहीं है, इनको एक्सपीरियंस नहीं इस चीज़ का, लेकिन क्या बोल सकते हैं, लेकिन चलो अभी हम अपना काम करेंगे और इनको भी थोड़ा सा काम पे लगाएंगे। देख सकते हैं यार लड़कियां अभी पूरियां बना रही हैं इधर, जो दशहरे के लिए जो हलवा पूरी भर रही है, तो वो प्रसाद ये देख सकते हो लड़कियाँ बना रही है इधर, और ये लड़कियाँ थोड़ी सी कमज़ोर भी हैं, जो चेहरा छुपा रही है जैसे पता नहीं कौन सा इधर गुनाह कर रही है, और जो जो ये चेहरा छुपा के बैठी है ना यही सबसे थोड़ी चोर टाइप होती है, इनका दिल काला है तभी, और मैं ऐसे ही डालूंगा ये, इनको पता तो चले कि क्यों छुपा रही हूँ, ये कौन सा गुनाह कर रही है। तो ये देख सकते हो फर्स्ट क्लास अभी पूरियाँ भर रही है शाम के लिए, जो प्रसाद है ये भर रहा है अभी। तो बाकी चल रहे हम थोड़ा सा, क्योंकि हम अभी मैगी का प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि हमने अभी जो रावण है वो बना लिया है, तो अभी हम थोड़ी सी मैगी की रखेंगे, थोड़ा चलो फ्रेशमेंट लड़कों के लिए बढ़िया है। अनके जी इस बार कैसे लगा आपको ये रावण का एक्ट करके, इस बार कैसा मतलब महसूस हुआ? अच्छा माहौल था, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। आगे की बात छोड़ो, मैं अभी की बात कर रहा हूँ अभी आपसे कि इस बार आपको कैसे लगा एक्ट करके, और पूरी दिल से बताना कि अच्छा लगा कहीं पे नहीं अच्छा लगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ स्वयं रावण जी जो है मेरे सपने में आते हैं इस बार। अच्छा बहुत
असल काम हुआ है। तो अभी क्या कर रहे हो अभी? अभी ये थोड़ा खाने का बनाएंगे प्रोग्राम। अभी आज क्या दशहरे का प्रोग्राम? दशहरे का प्रोग्राम है ना, तो थोड़ा फंक्शन करेंगे इधर। अच्छा, थोड़ा सा मतलब रिफ्रेशमेंट लड़कों के लिए बना रहे हो आप? हैं काम किया सुबह से तो चल रहा प्रोग्राम है। तो ये यार मैगी अभी बना रहे हैं। एक डायलॉग मारना जा रहा है वही वाला, कोई एक राम के लिए। मेरे शूरवीर सरदारो, तख्त लंका के तजामी जान सारो। थोड़ी देर हो किसी यार ये लड़का के कमजोर। चल यार आराम से सुनेंगे। चल थोड़ा सा कोई डायलॉग अपना भी, कोई डायलॉग थोड़ा सा सुनाओ यार अभी। चलो वो याद करेंगे हम, अब पूरा साल हम याद करेंगे। थोड़ा सा डायलॉग अपना कोई। अगर रावण ने ऐसा किया है तो मैं उसका शीश वहां जाके काटूंगा। यार ऐसे अभी देखो, मतलब करेक्टर की बातें होती है ना, उस टाइम देखो कितना मतलब जोश आता है और उस हिसाब से। अभी देखो हंसते कर रहे हैं जैसे कोई मतलब इनको पता ही नहीं है। चलो यार, लेकिन जो भी है लड़के अच्छे हैं यार। खाओ जी, खाओ जी। लक्ष्मण जी खाओ यार। ये मेघनाथ, मेघनाथ जी कुंभकर्ण खाओ यार। ये तो मेरा फेवरेट चीज़ है। ये फेवरेट चीज़ है, लेकिन क्योंकि कुंभकर्ण खाता ही ज़्यादा था, बहुत खाता था। खाएं जरा आप एक बार, ये बात है। ये खाएगा नहीं तो फिर शाम को परफॉर्मेंस कैसे करेगा? हाँ, आज फिर इसका है ना थोड़ा सा। आज हम नहीं, तू तो मर गया, तू तो मर गया, ये तो मर गया, ये तो मर गया कल शाम को ही। यहाँ पे अभी दशहरे का फंक्शन स्टार्ट हो गया अभी। तो ये जितने भी यहाँ पे ताज वगैरह जो डाले, तो इनकी पहले पूजा होगी, उसके बाद जाएंगे हम ग्राउंड में जो रावण को जलाएंगे। तो अभी एक आरती होगी, सब गांव वाले अभी आ चुके हैं इधर, देख सकते हो अभी। तो चलिए फिर करें स्टार्ट अभी। बाकी आप जनता देख सकते हो, इस बार में तो कहता हूँ बड़ी जनता। चाकू लेके ये चाकू का सिस्टम नहीं रखो इधर। ओए नहीं, रावण को क्या चाकू से मारा था? चाकू से, चाकू चोर, चाकू चोर। बाकी लोग तो इस बार बहुत आए यार। तो यहाँ पे अभी झांकी निकल चुकी है, आप देख सकते हो। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुजारती सच्चा धर्म निभाने को, सीता उम्र गुजारती। बोलो बोलो बोलो। रामा रामा पुकारती चार घड़ी मर जाने को। तो गाइस अभी हम ये देख सकते हो जा रहे हैं अभी हम, या ये जो झांकी जा रही है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। चल रहे हो अभी? हम भी जा रहे हैं। देख सकते हो ये भी हमारे साथ चल रहे हैं, ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। ये तो तब से बोल रहे हैं कि कैमरामैन कहाँ गया, अभी मैं आ चुका हूँ। तो लड़कियाँ देख सकते हो, लड़कियाँ भी झांकी में बिल्कुल शामिल है। बोलो जी, बोलो जी, भजन बोलो, भजन हंसना नहीं है, भजन बोलो। आपको क्या आता है? सिर्फ बातें करनी आती है लाइफ में, और कुछ भी आता है? बिल्कुल कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, डबर एकदम बिल्कुल कुछ नहीं आता, बिल्कुल। ये देख तो आजकल की लड़कियां ही हैं। देखो देखो देखो, आजकल की लड़कियां ही हैं। देखो कैमरा मैन देख सकते हो अभी आप, मतलब ढेर सारे कैमरा मैन दिखेंगे आपका अभी। खेल करना चाहते हैं क्योंकि ये लमा बार बार नहीं आते, साल के बाद आते। प्लान तो यही है कि रावण को अभी जला दिया, अभी स्टेज पे जाएंगे, स्टेज की पूजा करेंगे, एक दो भजन होगा, उसके बाद प्रसाद बनाया, सब लोगों को चढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद अपने घरों को जाएंगे। तो गाइस अभी ये रामलीला का एंड हो रहा है, अभी ये आरती हो रही है। सारे जितने भी रामलीला के
समान है उसकी आरती कर रहे हैं, अभी पूरी स्टेज की आरती कर रहे हैं। सारे लोग तो चले गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही था। अभी आप देख सकते हो यार रात हो गई, अभी मैं कोई 12 बज रही वीडियो को एंड कर रहा हूँ। यार रात को अभी वीडियो को एडिट भी करना पड़ता है और अभी 12 बज रहे, इतना थका हुआ हूँ सुबह से, मैं इतनी नींद आ रही मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी मुझे ये एडिट करना ही करना सुबह के लिए। तो चलो यार, अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। हालत देख रहे हो अभी, अब मन नहीं लेकिन क्या करें, अब बनाइए तो करना पड़ता है, करो यार सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं ऐसे अब नेक्स्ट से व्लॉग में। अब रामलीला ख़त्म हो गई है तो अभी देखते हैं आगे का प्लान क्या है। तो मिलते हैं ऐसे तगड़े से व्लॉग में, कुछ हटके आगे करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, नमस्कार और जय श्री राम।